एक लास्ट चीज़ कहना चाहूँगा जो व्यूअर्स हैं जो देख रहे हैं भले ही एथियसट हों या ना हो <coughs> कि इंसान अगर सही दिमाग से आराम से बैठ के सोचे ना अपनी ज़िंदगी के बारे और रियलिटी के बारे और अपनी अक्ल सही तरीके से इस्तेमाल करे तो कंक्लूजन यही है उसमें उससे पहुंचेगा कि ये जो एथीज़म है नेचुरलिज्म है ये इंसान को खाली छोड़ देता है एम टी ओन यू कैन डू इज़ यू कैन गो एंड फुलफिल योर डिज़ायर्स विदाउट एनी अकाउंटेबिलिटी Welcome. लेकिन आप वेरी सुन यू रियलाइज बहुत ही जल्द आपको पता चल जाएगा मैं सब डिजायर पूरे कर ली यार मुझे सुकून नहीं मिल रहा तुम इन डिजायर <laughs> जो सुकून दीन इस्लाम से हासिल होता है आपको वो सुकून प्राइसलेस है और वो सुकून धोखा नहीं है यानी ये ड्रग से जो मिला देते हैं इस तरीके का यानी वो रूहानी सुकून भी है और वो इंटेलेक्चुअल सुकून भी है यानी एक हारमोनी है मेरे पास सवालत के जवाब भी हैं जो पूछे गए हैं तो मेरी कहीं मन तक और मेरी अकल उसमें ये नहीं है कि मैं उसको जो है ना कारपेट के नीचे डाल रहा हूँ और उसको निगलेक्ट कर रहा हूँ नहीं मैं उन सब चीज़ों को क्योंकि हमें तो कुरान बोल ही रहा है याकलून अकल क्यों नहीं इस्तेमाल करते अफलादबरून पाउंडर क्यों नहीं करते Absolutely. तो वो तो है ही और फिर जो एक स्परिचुअल जो हॉलो हो जाता है आदमी एथियस्ट बन या इस तरीके के फलसफे अपना वो भी नहीं रही और और अलहमद तो ये सबसे ये, बड़ा समझते exactly, है हैं, समझ हैं ट्राई कर शराब में देख लें ड्रग्स में देख लें रिचर्ड खुश होने की कोशिश कर लें ठीक है ना ये का ब्लेजर देख के देखें अच्छा आ, मैंने अपने आइडल को देख लिया बड़ा यार मुझे स्कूल कितनी देर वो ये तो रैशनल है आजकल तो अगर आप है तो आप है अगर आप कोई और शायद आप इन और भी वीडियो